आज तो भारत की विरासत भी सम्मानित होती है वैश्विक मंच पर। जब योग को वैश्विक मान्यता मिलती है और 21 जून की तिथि को दुनिया के लगभग 200 देश एक साथ, जब भारत के अंदर किसी एक स्थान पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों भारतीय योग की सुविधा के साथ जुड़ते हैं, तो दुनिया के 200 से अधिक देश भी भारत की ऋषि परंपरा के इस प्रसाद के साथ जुड़ते हैं। कुंभ का आयोजन यूनेस्को के द्वारा मानवता के मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में से मान्यता देना हो, या फिर अबू धाबी में भी किसी हिंदू मंदिर का होना जो कभी कल्पना थी आज वह साकार हो रही है। यही नहीं, भारत के अंदर जो पहले असंभव था आज वह संभव हुआ है, जो पहले नामुमकिन था आज मुमकिन हुआ है। और वह इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पास एक यशस्वी नेतृत्व है जो भारत को समझता भी है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।